हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू माय चैनल एडुकेशन हब बाय मानसू। आज हम क्लास 9 की नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्व करेंगे। इससे पहले ये नंबर सिस्टम पे एक इंट्रोडक्शन का वीडियो मैं डाल चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या जीरो रेशनल नंबर है? इज जीरो इज अ रेशनल नंबर? और अगर है तो कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? क्या आप इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? देखिए, आंसर यहीं पर छिपा हुआ है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया रेशनल नंबर वो होते हैं जिसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, जिसमें एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होता है। तो जीरो को भी हम लिख सकते हैं, ये आप जानते हैं। कोई भी नेचुरल नंबर्स, कोई भी होल नंबर्स, कोई भी इंटीजर्स, सबके सब नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं। तो जीरो क्या है? जीरो एक होल नंबर है, एक इंटीजर है। तो जो भी नंबर होता है उसके नीचे हम वन मान लेते हैं डिनोमिनेटर में। अगर हमारे पास जैसे दिया हो 5 दिया है, क्या 5 रेशनल नंबर है? तो 5 के नीचे 1 मान लिया जाएगा, तो ये पी अपॉन क्यू का फॉर्म हो जाता है। ये भी पी अपॉन क्यू का, लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि क्यू कभी भी 0 नहीं होगा। तो यस, हम कहेंगे 0 0 इज ए रेशनल नंबर। क्यों? बिकॉज वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। कैसे? बिकॉज फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू कैसे? एज 0/1, दी ऑल आर रेशनल नंबर्स। क्लियर? बड़ा इजी क्वेश्चन था। जीरो को आप रेशनल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो फ्रेंड्स, ये आप क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर आपने बताने, नंबर लिख लेंगे 3 और 4। अभी मैंने आपको बताया जिसके नीचे कुछ नहीं माना जाएगा ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। इसके नीचे भी 1 मान लेंगे, ये भी एक रेशनल नंबर है। कितने रेशनल नंबर निकालने? 6 निकालने हैं ना। एक नंबर बढ़ा दो, 7 से इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो। तो 7 का मल्टीप्लाई दोनों जगह होगा, ऊपर भी और नीचे भी। नंबर्स क्या आ जाएंगे? 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 4 3 जा 7 4 जा 28, 7 1 जा 7। अब आप देखो, 21/7 एक तरफ लिखो, इसके आगे 28 तक काउंट करते हुए चलो, 22 23 24 25/7, 26/7। तो फ्रेंड्स, आप चेक कर सकते हैं कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6। ये 6 रेशनल नंबर्स हैं जो 3 and 4 के बीच में होते हैं। क्लियर? इसी तरीके से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 5 and 4/5। तो और इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप 3/5 लिख दें, फिर 4/5। कितने निकालने? 5 निकालने, एक बढ़ा देंगे, मल्टीप्लाई 6/6 मल्टीप्लाई 6/6, कितना हो जाएगा? 6 3 जा 18, 6 5 जा 13, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। आप क्या करेंगे? एक तरफ 18/30, और कहाँ तक लिखेंगे? 24/30 तक। 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30। तो 5 रेशनल नंबर कहाँ था? अब देखो, 1 2 3 4 5, ये 3/5 है। आप इसको काट सकते हैं, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। ये 4/5 है, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। इनके बीच में 5 रेशनल नंबर ये रहे, 19 21 23 22/30 23/30। क्लियर? इस तरीके से आप किसी भी रेशनल नंबर के बीच में कितने भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। बस शर्त क्या है? जितने भी पूछे जाएं। अगर 6 बोला है तो 7 से मल्टीप्लाई करा दो उनको, 7 बोला तो 8 से करा दो। ठीक,
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, आपने बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर, ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है। देखो, हर नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, इसका स्टेटमेंट भी दिया था। यस, सारे रेशनल नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, तो आप लिख लेंगे यस, इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यस एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, ठीक है। अब क्यों होते हैं भाई, आपको पता है नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वन से, और कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक, और होल नंबर्स जीरो से होते हैं और कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। तो जीरो को छोड़कर सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव हैं, तो इसीलिए ये क्या होगा, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होंगे। अब क्वेश्चन कहा गया है एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, ध्यान से समझेंगे, इंटीजर्स हमने कहा था सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर, जीरो, सब के सब इंटीजर्स होते हैं, लेकिन होल नंबर्स तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और जीरो होता है, नेगेटिव नंबर्स तो नहीं होते ना, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नो नो एवरी इंटीजर्स इज नॉट अ होल नंबर, क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन कहा गया एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ध्यान से समझेंगे, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। देखो, रेशनल नंबर जो होते हैं, रेशनल नंबर इंटीजर्स भी रेशनल नंबर है, सेम सेकंड स्टेटमेंट है, इंटीजर्स भी रेशनल नंबर होते हैं, क्लियर, बट इसमें नेगेटिव भी आते हैं, तो हर रेशनल नंबर को हम होल नंबर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि रेशनल नंबर इंटीजर्स भी होते हैं, जैसे कि -3/5, ये एक रेशनल नंबर है, बट ये होल नंबर नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर पॉजिटिव में होता 3/5 तो वो होल नंबर आप उसको कह सकते थे, क्योंकि 0. something वो आ जाता, 0.6 आ जाता, तो इसलिए आप कह देंगे नो एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, क्लियर। हर रेशनल नंबर क्या नहीं होता, होल नंबर नहीं होता, लेकिन हर होल नंबर, एवरी, अगर ये स्टेटमेंट ऐसा होता कि एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, तो तब ये ट्रू हो जाता, क्योंकि सारे होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं, बट सारे रेशनल नंबर होल नंबर्स नहीं होते हैं, क्लियर। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, थैंक यू।